केस एक स्क्रोटम रीजन के पेन का है और पेशेंट को उसके टेस्टिस में बहुत पेन हो रहा है काफ़ी समय से, 1.5 साल से पेन हो रहा है और कभी स्वेलिंग आती है कभी चली जाती है। पेशेंट ने कभी सोनो नहीं करवाया, जनरली बस वो इधर उधर की मेडिसिन वगैरह खा खुआ कर काम चला लेता है, उसने कभी ट्रीटमेंट नहीं करवाया। तो मेरे पास मेरे थोड़े से परिचित हैं तो उनका मेरे पास कॉल क्लियर आया नहीं था। आया है। हेलो, आवाज आ रहा है अभी? यस सर, आ रहा है जी। सर आ रहा है। तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत प्रैक्टिस में पेन हो रहा है, मुझे नीचे वाले हिस्से में अंडकोश वाले हिस्से में बहुत पेन हो रहा है, तो क्या मैं सोनोग्राफी करवा लूँ क्या, फिर आपके पास आता हूँ मैं लेकर। तो मैं क्या ठीक है करवाइए आप बताइए मुझे। तो उन्होंने सोनोग्राफी करवाया, वो सोनोग्राफी मेरे पास डायरेक्ट लेकर आए, वो ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास डायरेक्ट नहीं आए, वो पहले सोनोग्राफी करवा कर लेकर, क्योंकि वो 1 साल से ज़्यादा से इस परेशानी से परेशान थे, चल क्या है जैसे तैसे धीरे धीरे। और वो जैसे ही मेरे क्लिनिक में आया ना, उनके चेहरे पे एक दर्द दिख रहा था मुझे, ऐसे बिल्कुल मुझे चेहरे की शिकन कंफर्ट जोन में नहीं थे वो। और आते से उन्होंने सोनोग्राफी रखी साइड में और बताया कि देखो डॉक्टर साहब, ये उनके हिस्से को रखते से बोला डॉक्टर यहाँ दर्द हो रहा है और बहुत दर्द हो रहा है मुझे। और थोड़ी देर फिर मैंने कहा कि ठीक है बैठी है, और फिर बताया कि डॉक्टर साहब, उन्होंने फिर थोड़ी देर बाद बोला कि उन्होंने उनकी पेंट को खोल कर तक बताया कि डॉक्टर साहब देखिए ये बिल्कुल ये हिस्सा पूरा मेरा सूज गया है, राइट साइड के टेस्टिस में स्वेलिंग आया था। तो मैंने पूछा फिर, तो बोले डॉक्टर साहब ये कच्चा पक्का 1 साल हो गया इस प्रॉब्लम को, अभी तो कुछ 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा तकलीफ बढ़ गई है इसमें। तो मैंने पूछा फिर आपने क्या किया 15 दिन 20 दिन से जब दर्द हो रहा था? तो मैं बोले कि डॉक्टर साहब मुझे मालूम है, हर बार ये गोली खाने से ठीक होता था तो मैं गोली ले लेता था, और तुम्हें कि जब आपको तकलीफ थी तो आप इलाज क्यों नहीं करवाया? कि सर अभी सोनोग्राफी करवाने के लिए और ट्रीटमेंट कराने के लिए पूरा 1 दिन बहुत होता है आपको पता है। तो मैंने कहा हाँ, तो बोले कि सर अभी क्या है कि सीजन है राखी का, और राखी के सीजन पे मैं काम छोड़ के कैसे जाऊँ, तब जाऊँगा तो काम धंधे का नुकसान हो जाएगा, तो मैं नहीं गया इसके लिए। मैंने सोचा कि ठीक है अभी गोली खा के मैनेज कर लेता हूँ, जब सीजन खत्म होगा तो मैं चला जाऊँगा दिखाने के लिए, तो फिर अभी कैसे आना? वो बोले सर अब तो दर्द हद से बाहर हो गया है, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। तो मैंने सोचा कि पहले सोनोग्राफी करा के पता तो करूँ बीमारी क्या है, तो सर इसमें क्या है बीमारी, क्या क्या निकल रही है बीमारी बताइए ना सर। तो मैं क्या बताता हूँ आपको, तुम्हें कि आप फिर इतने दिन से क्या किया आपने? सर मैं क्या, सर देखिए मैं क्या अभी कर्जे में बहुत चला गया हूँ और कर्जे की वजह से ना मुझे पैसे की बड़ी समस्या है, तो मुझे थोड़ी सी काम का थोड़ा टेंशन रहता है कि रहूँगा तो मैं अपना कर्जा उतार पाऊँगा, घर की टेंशन बच्चे की पढ़ाई की टेंशन ये वगैरह भी रहती है मेरे को, घर परिवार में खर्चा वगैरह ये सब, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में है तो सब मेरे ऊपर ही है, तो इसकी भी थोड़ी सी चिंता रहती है। इस चक्कर में सर मैं थोड़ा सा बच रहा था छुट्टी मारने से कि सर 1 दिन छुट्टी मारूंगा तो काफ़ी परेशान हो जाऊंगा मैं, इसलिए तो मैंने कहा कि और कुछ? तो बोले कि बस सर ये क्या है क्या सर प्रॉब्लम, थोड़ा सा बताइए ना कि कोई हरने वगैरह तो नहीं है इसमें, या फिर कुछ अंदर वो कोई ऐसी पेनिस से कोई लिंग से जुड़ी कोई नस में कोई सूजन तो नहीं है? तो मैंने कहा कि नहीं है सर कुछ, मैं आपको देता हूँ दवाई। और हमने उनको 200 के 3 डोज दिए और पेशेंट को इसका वीडियो है मेरे पास अवेलेबल, पर वीडियो डालने पर इतने रिस्पॉन्स नहीं आते, फिर मुझे यहाँ पर अलग से एक्सप्लेन करना पड़ता है, तो इसको हम इसका वीडियो मैं आपको GMD पर डालूँगा। पेशेंट को विद इन अ 10 मिनट पेन में जो उसका जो डिस्कम्फर्ट था वो रिलीफ हुआ, नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बोला कि सर पेन
काफ़ी कम है, पहले चलने में बहुत प्रॉब्लम आ रही थी मुझे, और अब ठीक है। और 15 डेज के फॉलोअप में उनकी स्वेलिंग भी रिड्यूस हो गई और वो पेन फ्री हो गए, और लगभग उस केस को अब 3 महीने के आसपास होने आ गए, जबकि वो रेगुलर मेडिसिन लेकर काम चला रहे थे। हमारे 3 डोज ने उन्हें पेन फ्री किया, स्वेलिंग पूरी तरह से रिड्यूस हो चुकी है। तो इस केस में मेडिसिन और रूब्रिक रूब्रिक सिलसिलेवार जाइए, आपको ज़्यादा हेलो सीखने को मिलेगा। हेलो सर, जी प्रायः नहीं लग रहा है। एस्केप अटेम्प्ट टू विंडो प्रॉम एंजाइटी मनी मैटर टॉकिंग बिजनेस फेयर पावर रूटीन प्रायः नहीं लग रहा। सर ओपीएम की फील आ रही है। रूब्रिक रूब्रिक फियर एक्स्ट्रावेगेंस लाइट डिजायर बिजनेस स्टॉक एंड बाकी मैंने अभी देखे नहीं। मतलब वो सर सल्फर की फील आ रही है, क्योंकि एक तो बिजनेस वाला बंदा है, बिजनेस स्टॉक कर रहा है, काम की चिंता कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला बंदा है, उसको कर्जा भी चुकाना है, और दूसरा बच्चों की भी बात की कि बच्चों के लिए उसको कमाना है, और तीसरा उसको लाइट डिजायर जो कंप्लीट में सल्फर आया है, और अगले दिन उसने आपको इन्फॉर्म भी किया जैसे आपने कहा वैसे, रेवरेंस भी पूरा दिया, और इसके साथ में उसने मतलब ग्रेटिट्यूड ही दिखाया एक तरह से, जो आपने कहा। तो अदरवाइज मुझे ब्राइनिया मुझे होता तो ड्राइनिया होता वो आपको बताता ही नहीं कि मेरे को फर्क मुझे पड़ा है। नहीं मुझे रेफरेंस कहाँ दिया उसने? सर मतलब रेफरेंस नहीं कहेंगे अब, वो तो शुरू में थोड़ा सा केस मिस हुआ, उस वक्त उसने आपको जी उसने तो आते से ही काम चालू कर दिया और पेंट खोल दी। सर आते से ही काम चालू किया, तो बिजनेस स्टॉक तो कंफर्म है, तो बिजनेस स्टॉक, लेकिन बिजनेस स्टॉक के साथ में उसने जो मतलब बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली कि भी बच्चों के लिए करना है और सीजन का टाइम है और गोली लेके काम चलाया, हालांकि बार्गेनिंग ले सकते हैं इसको ब्राइनिया की तरफ जैसे ये सर कह रहे हैं उस हिसाब से जा सकता है, लेकिन मैंने इसको ओवरऑल देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने इतनी निभाई कि भाई उसको क्यों करना है काम, वो भी एक रीजन रहा। तो हमको सर ब्रायो से ज्यादा मतलब डीडी में ब्रायो ले सकते हैं, लेकिन सल्फर का फील ज्यादा पेशेंट है। ने एक चीज और बोली कि डॉक्टर साहब इतना दर्द है मेरे को भी, मेरी जगह कोई और हो तो बिस्तर पे लेट जाए। इतना दर्द था तो मैं था तो मन मार गया सर, कोई और होता तो नहीं कर पाता सर इतना काम। इसको ईगो भी ले देखा सकते हैं कि और वेल्थ भी ले सकते हैं उसकी सर। हेलो सर, सर एक तो वो जब आया ना सर तो वो एक्स्ट्रा वेगेंस में आया, यानी जब काम उसका उसकी हद से गुजर गया तो फिर आया। दूसरी बात जो अहम उसकी थी कि वो लाइट डिजायर चाहता है, वो चाहता था कि है क्या, मुझे जरा पता चल जाए कि क्या मसला है। तो एक एक्स्ट्रा वेगेंस लेंगे, फियर तो नहीं है। फियर एक्स्ट्रा वेगेंस में तो एक ही मेडिसिन है ओपियम। अभी उसको फियर एक्स्ट्रा वेगेंस नहीं है, उसको सिर्फ एक्स्ट्रा वेगेंस लगाएंगे। दूसरा लगाएंगे लाइट डिजायर और तीसरा लगाएंगे एंग्जाइटी बिजनेस अबाउट या टॉकिंग बिजनेस या मनी मैटर्स के मुतल्लिक जो बात कर रहा है। ये 3 रूब्रिक तो मुझे समझ आए हैं सर। सर नेकेड वंस वांट्स टू बी तो हो सकता है ना सर, आप ही उसमें पैंट नेकेड वांट्स दिखाना टू बी स्टार्ट है, किया। नेकेड वांट्स टू बी है। इस केस में होगा पेशेंट ने सर जो वो आते से उसने बोला और उसके बाद उसने अपनी पेंट को खोलकर क्लियर कट बताया कि डॉक्टर देखिए यहाँ दर्द हो रहा है। सर स्ट्रामोनियम जैसा भी लग रहा है और बेलाडोना जैसा दोनों। शुरू के रूब्रिक को जो शुरू का जो 3 मिनट होता है ना, जो भी जो जहां तक पेशेंट खुद बोलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हमारे पूछने के बाद जो हमारे द्वारा पूछे गए रूब्रिक उस पर थोड़ा हम एक बार डाउट कर सकते हैं, पर पेशेंट ने जो डायरेक्टली स्ट्राइकिंग आके जो बोला है उसकी ग्रेड ज्यादा होगी। सर थोड़ा एक बार केस रिपीट कर देंगे सर थोड़ा शॉर्टली। ठीक है, एक और बार बता। पेशेंट की जो मतलब कपड़े का दुकान है उसका, तो पेशेंट को तकरीबन अभी 15 दिनों से ये प्रॉब्लम हो रही है टेस्टिस में पेन की, स्क्रोटम में रीजन में बहुत पेन हो रहा है उसको।
तो ये प्रॉब्लम उनको तकरीबन 7-1.5 साल से हैं, हमेशा गोदी वगैरह खा के वो काम चला रहते हैं, कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं लिया इसके लिए अभी तक उन्होंने। तो उनका मेरे पास फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे बहुत पेन हो रहा है, तो क्या किया जाए इसके लिए, मैं कोई सोनोग्राफी वगैरह करवा लूँ क्या? तो मैंने कहा कि ठीक है करवा लीजिए। तो वो सोनोग्राफी मेरे पास लेकर आए स्क्रोटम रीजन की, तो उनको राइट साइड के स्क्रोटम में स्वेलिंग निकला और उनसे चलने की भी नहीं बन रही, इतना दर्द हो रहा है। और वो मेरे केबिन में आए और आते से ही वो चेहरे पे एकदम तो ऐसा डिस्कम्फर्ट लगा मुझे चेहरे पे कि इनको काफी दर्द है, परेशानी है, बैठने में बड़ी दिक्कत आ रही थी बैठने में। और आते से उन्होंने देखिए डॉक्टर साहब ये यहाँ यहाँ दर्द हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, सोनोग्राफी उन्होंने साइड में रख दी और उनका काम चालू हो गया। और विद इन अ मिनट उन्होंने जो लोअर पहन के आए थे क्योंकि टाइट पैंट पहनने से उनको बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो उन्होंने ऐसे कैसे लोअर सरका दिया कि डॉक्टर देखिए ये यहाँ इस पूरे हिस्से में दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि ये कब से है? बोले सर 15 दिन से है। फिर 15 दिन से है और आप आज? तो बोले सर वो थोड़ा सा अभी क्या सीजन का टाइम है ना, तो इस चक्कर में काम धंधे छोड़ के नहीं आ पाया, पर तब तक तो मैं टेबलेट वगैरह ले रहा था मेडिकल वगैरह से। तो मैंने कहा कि फिर अब क्या तकलीफ पड़ी? तो बोले सर कि अब बर्दाश्त के बाहर हो गया दर्द, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा मेरे से, पहले गोली खा रहा था अब ठीक हो रहा, अब तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, बर्दाश्त ही नहीं हो रहा सर मुझसे। तो मैंने कहा कि फिर बोले तुम्हें क्या आप इतने दिन से मन क्यों मार रहे थे? तो बोले कि डॉक्टर साहब क्या है कि मैं क्या काफ़ी कर्जे में भी हूँ, मेरे पास मनी की बड़ी समस्या है, तो कुछ पैसों के लिए चिंता, काम धंधों के लिए चिंता रहती, क्योंकि देखिए आज भी मेरा पूरा दिन बोट हो गया, मैं सुबह से निकला हूँ सोनोग्राफी करवाने के लिए, तो मेरा पूरा दिन आज पूरा बोट हो गया, आज के दिन दुकानदारी पूरी खत्म हो गई मेरी। तो मैं ये सोच रहा था कि जब थोड़ा सीजन डाउन होगा तो मैं जाऊँगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इधर जाऊँगा तो मेरे काम धंधे का नुकसान हो जाएगा, और दूसरा क्या कि घर घर परिवार की सारी टेंशन मेरे ऊपर ही है, क्योंकि काम धंधे को लेकर बहुत दिक्कत है घर में, पैसों को लेकर, बच्चों की फीस वगैरह ये वगैरह सब, वो उसका थोड़ा सा टेंशन रहता है मुझे, तो मैं चक्कर में थोड़ा सा बचता हूँ छुट्टी मारने से, इसलिए मैंने छुट्टी नहीं मारी। और आज थोड़ा सा कंडीशन नॉर्मल हुई कि सीजन थोड़ा सा डाउन हुआ तो मैं जाके सोनोग्राफी करवा के आया। तो इसमें क्या है, कोई क्या है जरा बताइए थोड़ा सा, ये राइट साइड सूजन आ रही, कोई हर्निया वर्निया तो नहीं है? तो मैंने कहा कि बताता हूँ मैं आपको सर उनके, ठीक है। फिर मैंने पूछा कि तो पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर इतना पेन था कि है ना, मेरी जगह कोई और था ना तो छुट्टी मार लेता, दुकान बंद करके घर पे सो जाता, पर मैंने एडजस्ट किया कि नहीं करते हैं। तो मैंने फिर और कोई तकलीफ? बोले कि सर बस ये क्या है, क्या किस कारण से सर दर्द हो रहा है, ये हर्निया वगैरह कुछ है या कोई पैनिक्स वाली कुछ नस वगैरह में कुछ सूजन है, क्या है सर कुछ तकलीफ बताइए ना, कैसे होता है ये सर, ये कोई और कोई तकलीफ बताइए मुझे। पेशेंट कंटिन्यू पूछे जा रहा मैं कि कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको मेडिसिन देता हूँ हो जाएगा। तो पेशेंट को हमने 200 के 3 डोज दिए और 10 मिनट के बाद उन्होंने एक वीडियो बनाया था जो पहले का भी है बाद का भी है, तो 10 मिनट बाद वो काफ़ी कंफर्टेबल हो गए, जो उनका जो डिस्कम्फर्ट था हमारे सामने बैठने उठने के लिए, वो इवन थोड़ा सा भी हिल रहे थे उनको दर्द हो रहा था, वो उनमें कंफर्ट में आए हैं। और नेक्स्ट डे फोन आया कि सर काफ़ी आराम है, और 15 डेज में उनकी जो राइट साइड की जो टेस्टिकल की स्वेलिंग थी वो चली गई, कंफर्ट में है, और उसके बाद हमको मेडिसिन को रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ी, और 15 डेज में वो काफ़ी पेन फ्री हो गए और 3 महीने में उनकी वो प्रॉब्लम पूरी सॉल्व हो गई। तो ये था केस। सर इसमें स्केप हेलो विंडो विंडो फ्रॉम भी ले सकते हैं कि वो शुरू में बस गोली वगैरह लेके गुजारा करता रहा है इधर उधर से, स्केप विंडो फ्रॉम? हर चीज में हर वर्ड के हर वर्जन के तीन तीन चार चार रूब्रिक होते हैं, आपको वहां सुटेबल क्या लगता है? अगर हम एस्केप अटेम्प्ट विंडो को रिमूव कर डायलोजन लेंगे तो डायलो उसमें ज्यादा सुटेबल डायलोजन एनलार्ज स्क्रोटम सालो ही सबाइडला
सर असल मसला उसका बिजनेस का है, और जो असल में उसकी कॉज है ना सर, जो सी है वो है कि बिजनेस और पैसा और प्रॉब्लम जो है उसकी मनी मैटर की, और उसी को लेके वो फिर एस्केप भी करना चाहता है विंडोज से, और दूसरा ये कि उसको एंजाइटी बिजनेस कह सकते हैं, और लाइट डिजायर है उसको बहुत ज्यादा कि ये है क्या, ये क्या प्रॉब्लम क्या है, मुझे ये समझ लगना चाहिए। सर कम्युनिकेटिव ले सकते हैं, ले सकते हेलो। हाँ सर, एक हैं। आते ही पेशेंट ने बोलना चालू किया कि एब्रप्ट हो सकता है, फिर उसने कपड़े खोल के दिखाए, नेकड वांट्स टू बी लाइट डिजायर है और कुरियस भी हो सकता है, बिजनेस टॉक भी है, एंजाइटी बिजनेस भी है और बार्गेनिंग भी आ सकता है, तो ट्रांसफर आ रहा है मेरे हिसाब से। सर ओपीएम होगा सर इसमें, मतलब जैसे मुझे लग रहा है, एक तो इंडिफरेंस टू कंप्लेंट और फियर ऑफ एक्सट्रावेगेंस और इंडिग्नेशन डिस्कम्फर्ट जनरल फॉर्म। हेलो सर, जी हेलो। जी हाँ वो फ्रिवियलस है, लाइट डिजायर में है, कम्युनिकेटिव है, नेक जी वांट्स टू बी में है, टॉकिंग ऑफ बिजनेस है, फियर ऑफ पॉवर्टी है, सब मिला के सल्फर की तरफ जा रहा है सब। लाइट डिजायर फॉर डेलिरियम इन पेशेंट जानना चाह रहा है मुझसे, डॉक्टर साहब हर्निया तो नहीं है डॉक्टर साहब, कुछ होते इसमें लक्षण क्या होते हैं डॉक्टर साहब? पेशेंट इनक्विजिटिव हो गया है, पेशेंट सवाल पे सवाल लगे जा रहा है, डॉक्टर साहब वहाँ कोई हर्निया वगैरह तो नहीं है? डॉक्टर साहब इसमें लक्षण कैसे होते हैं, तो होता क्या है, मतलब लाइट डिजायर से एक कदम आगे आ गया हूँ, जानना सर? चाह रहा हूँ बीमारी हायोसाइमस के है क्या? बारे में, क्यूरियस हो गया हूँ बंदा। हायोसाइमस तो है समझ रोरी बताइए है समझ के। ग्रुपिंग ग्रुपिंग है क्या सर? होता तो पेशेंट बोलता कि डॉक्टर क्या पता काई से हो रहा है, इससे हो रहा है, इनक्विजिटिव, उससे हो रहा है, तो डॉक्टर इनक्विजिटिव है सर, होता इनक्विजिटिव, क्यूरियस, इनक्विजिटिव पूछे जा रहा ना हमसे, क्यूरियस। क्यूरियस। हेलो हाँ जी सर, ये सल्फर है, आपका एक पहले भी एक केस था, उसमें भी यही वर्जन था, तो वही याद आ रहा है। उसमें इंक्विजिटिव है, लाइट डिजायर है, इंक्विजिटिव है जैसे आपने बताया, लाइट डिजायर है और नेकेड वांट्स टू बी है, और सर तो बिजनेस की बहुत ज्यादा चिंता है, और सल्फर को सर ये घर बार की बहुत ज्यादा चिंता रहती है कि उसका बिजनेस कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, तो ये सल्फर की तरफ ज्यादा जा रहा है। तो इस केस में बहुत अच्छे अच्छे कुछ दो तीन लोग बहुत अच्छे अच्छे हैं। पेशेंट ने आते से ही एक तो उसको लाइट चाहिए, पेशेंट को लाइट चाहिए, अब डिस्क्लोज करते हैं मेडिसिन केस पे आते हैं। पेशेंट ने फोन लगाया कि डॉक्टर साहब दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्या करूँ, सोनोग्राफी करा लूँ क्या? देख लीजिए आपके हिसाब से, ठीक है मैं करा के लाता हूँ ताकि पता चले बीमारी क्या है। पेशेंट को लाइट चाहिए थी, पेशेंट ने सोनोग्राफी करवाई, लेकर आए हमारे पास, और सोनोग्राफी तो साइड में रखी, उन्होंने आते से बोला डॉक्टर देखिए यहाँ 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 दर्द हो रहा है मुझे, ना कोई जान पहचान की हो तो थोड़ा सा वेट तो करो, आते से ही चालू हो गए, कोई बोलचाल कुछ भी नहीं, आते से उन्होंने उस हिस्से में हाथ रख के बताने लग गए, और थोड़ी देर में उन्होंने अपनी लोअर और अंडरगारमेंट दोनों ही उतार ली और बताने लग गए डॉक्टर देखो यहाँ दर्द होता है, बिजनेस टॉक नेकेड वॉन्ट्स टू बी। मैंने पूछा कि भाई इतने दिन से करा क्या आपने, कब से हो रहा है, बोले 15 दिन से, मैं उसके पहले उसके भी 1 साल पहले से हो रहा है सर, वो मेडिसिन वगैरह लेता हूँ, काम चलाता हूँ मैं,
तो ये पेशेंट सीरियस नहीं अपने डिसीज को लेकर। हम एस्केप अटेम्प्ट विंडो फॉर्म के साथ में उससे सपोर्टिव रूब्रिक होने चाहिए। हर चीज को हम एस्केप अटेम्प्ट विंडो फॉर्म नहीं लेंगे कि वो मेडिसिन गोली से खा रहा है ले रहा है। ये बंदा फ्रिवलस है, बिजनेस टॉक में है, नेकेड वॉन्ट्स टू बी है, पर पेशेंट अपनी बीमारी के प्रति सीरियस नहीं है। मेडिसिन खा रहा है, काम चला रहा है। मैंने पूछा कि भाई इतने टाइम से क्या कर रहे थे, 15 दिन से आपने क्या किया? और सब दुकानदारियां हैं, काम धंधे हैं और कर्जा भी है मेरे ऊपर, तो फिर उतारना भी मुझे ही है। एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज, एक रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम केयर्स एंड वरीज। बिजनेस अबाउट काम को लेकर ये बहुत ज्यादा फिक्रमंद होते हैं, बड़ी चिंता होती है इनको। बिजनेस एप्टीट्यूड बहुत ज्यादा होता है इनके अंदर, काम के प्रति बता ना, काम एकदम सिंधी माइंडेड होते हैं ये लोग, इस कैटेगरी के लोग। बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर, पेशेंट के चेहरे पे दर्द बहुत झलक रहा था, बैठने में उनकी हाल उनकी कंडीशन से लग रहा था कि वो कंफर्ट में नहीं है। सिंपल रूब्रिक डिसकंफर्ट। पेशेंट ने कहा कि डॉक्टर साहब कर्जे वर्जे में हूँ और काम धंधे की थोड़ी चिंता रहती है कि मैं अगर उधर सोनोग्राफी कराने जाऊँगा एक दिन बोट होगा मेरा, एक दिन में इधर नुकसान होगा, तो मैं सोचता हूँ कि थोड़ा सा सीजन वगैरह डाउन हो जाए ना उसके बाद फिर मैं जाकर कराता हूँ। ये क्या था पेशेंट का बार्गेनिंग, उधर नुकसान ज्यादा है इधर नुकसान कम है। जब होगी तो उधर दर्शन भी करवाएगा, अभी इसका सीजन चल रहा है और मैं उधर जाऊंगा तो मेरा नुकसान होगा, तो उसको उस नुकसान का डर है, फिर इंजरी बीइंग इंजर्ड, नुकसान से डर है उसको, पैसे के नुकसान का डर है, तो ऐसा फियर इंजरी में इंजरी बीइंग इंजर्ड, पैसों का नुकसान का डर की वजह से बार्गेनिंग कर रहे थे और एडजस्ट कर रहे थे। हम पूछे अब क्यों आए भैया, अब क्या तकलीफ है डॉक्टर साहब? 15 दिन से इतना दर्द था कि टेबलेट से काम चल रहा था, अब दर्द बढ़ गया है। डिलीजन इन लाज, मैंने फिर कि बस सर अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अब तो दर्द बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। इनटॉलरेंस, दर्द बर्दाश्त के बाहर जा रहा है। डॉक्टर साहब बीमारी क्या है? और है क्या बीमारी? पेशेंट लाइट जा रहा है हमसे कि हम उसको बताएं कि बीमारी क्या है। और बहुत ज्यादा पेशेंट ने फोन पे भी कहा, बाद में भी आकर कहा डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा दर्द हो रहा, एक्स्ट्रा वेगेंस। और पेशेंट ए ने पूछ रहा कि भाई सर बताइए ना सर, ये कोई हरनिया वगैरह तो नहीं है? तो सर हरनिया होता तो इसमें लक्षण वगैरह क्या, सिम्टम क्या होते हैं? और पेशेंट एक तरह से हमसे जानना चाह रहा है, बीमारी के लक्षण जानना चाह रहा है, क्यूरियस हो चुका है वो, इंक्विजिटिव। और काम धंधे की चिंता अबाउट घर पर दोस्तों की एनआईटी अदर स्कोर, तो इन रूब्रिक के बीच हमने उसको सल्फर दिया। सल्फर 200 3 लोग, अब बेलेडोना इसलिए बेलेडोना को काम धंधे की नहीं पड़ी होती। बेलेडोना को पेशेंट कहा नहीं करता कि मैं था तो मन मान लिया, वरना कोई और होता तो मान लिया दुकान धंधा कर लेता। देखो है एलिमेंट फ्रॉम मैं हूँ, माय माय सेल्फ, लोग कहते हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, ये अपनी आगे रहा डॉक्टर, मैं था तो मैंने इतना दर्द सहन कर लिया, वरना कोई होता तो डॉक्टर साहब दुकान बंद कर देता है। ये उसका ईगो था, बार बार काम धंधों की बात, बिजनेस को। और ये धंधा, ये पेशेंट जो है वो कास्ट से जैन है, तो इनमें बिजनेस के जो गुण है उस के बारे में है, एक इनका डिस्पोजिशन होता है बिजनेस एप्टीट्यूड फॉर, काम धंधों में महारत हासिल होती है इनको, छोटे से बिजनेस को बड़ा कैसे करना है, बार्गेनिंग कर रहे हैं पूरे केस के अंदर। ये हमने सल्फर के 3 लोग दिए, कोई रिपीटेशन नहीं, 15 डेज में सेलिंग रिड्यूस और 3 महीने में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। बहुत इजी केस है,
थोड़ा सा कंफ्यूज करता है ब्राइनिया से, ब्राइनिया के काफी चीजें इसमें नहीं है। ईगो की वजह से वो सर वो डिफरेंसेस कर सकते हैं, ब्राइनिया में सर ईगो शायद नहीं होती। जी सर ये एलिमेंट्स वो ईगो है वो शायद वो ब्राइनिया में शायद नहीं है सर। जी ब्राइनिया में सर हेलो हाँ जी हाँ जी सर ईगो ईगो वाला मैटर सर ब्राइनिया में नहीं है शायद मेरे का, इतनी डीडी बहुत सी चीजें नहीं है ब्राइनिया में। ब्राइनिया में एक्स्ट्रा वेगन नहीं है, पेशेंट को बहुत बहुत की प्रॉब्लम नहीं होती है, ब्राइनिया डिसीज को जाना नहीं चाहता, ब्राइनिया लाइट में नहीं है, ब्राइनिया इनक्विजिटिव नहीं है, है ना, और ब्राइनिया को बिजनेस की केयर्स वरीज फुल ऑफ केयर्स बिजनेस अबाउट में नहीं है, है ना, तो काफ़ी जगह नहीं है। और इस पेशेंट का एक और मुझे थोड़ा सा मुझे इसका डिस्पोजिशन पता है कि पेशेंट बड़ा दयालु टाइप का है, कोई भी घर पे आता है तो मांगने वाला आता है तो उसको कुछ ना कुछ देते ही देते हैं, सारे एक प्रकार से हेल्पिंग फॉर अदर्स वाला नेचर है, दूसरों की मदद कर ही देते हैं, ये थोड़े से दयालु टाइप के मैं नहीं बोल, ये चीज़ मुझे इनकी शुरू से पता है, तो मुझे कन्फर्म था कि ये सल्फर है, जनरल भी हैं ये, काफ़ी दानी हैं, कहीं कुछ हल्की प्रॉब्लम दिखती है तो ये काफ़ी ज़्यादा पैसे पकड़ा देते हैं लोगों को, तो ये क्लियर क्लियर केस था सल्फर का। बार जो सर बार्गेनिंग कैसे लिया सर इसको तरफ जाइए, पेशेंट ने अपने दिमाग में एक सोच लगाई कि मैं अगर सोनोग्राफी कराने जाऊंगा और अभी सीजन चल रही है, अगर मैं उधर गया तो मेरे कम से दिन के 2,500-4,000 का नुकसान होगा, मैं 1,000 की सोनोग्राफी के लिए मैं उधर अपने 4,000 वोट कर दूंगा, तो पेशेंट एक सोच रहा है कि उधर जाऊंगा तो नुकसान, अगर आप छुट्टी मांगे तो नुकसान ज़्यादा है और बाद में नुकसान जब सीजन खत्म होगी और जब मैं सोनोग्राफी कराने जाऊंगा तो नुकसान कम है, तो यहाँ पेशेंट नुकसान फायदा कम ज़्यादा मोल भाव ऐसे करके अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, ये वो बार्गेनिंग। या फिर पेशेंट कई बार महंगा सस्ता डॉक्टर ढूंढते हैं कि यार मैं अगर उधर जाऊंगा तो मेडिकल पे जाके गोली लूंगा तो 100 रुपये पड़ेगी, तो डॉक्टर को दिखाऊंगा तो 300 रुपये की फीस देनी पड़ेगी, ये भी बार्गेनिंग है। पैसों को लेकर सस्ते महंगे डॉक्टर को लेकर छुट्टी मार के उधर इलाज कराने के लिए भी उसको लगता है कि पैसे ज़्यादा लगेंगे। एक पेशेंट हमारे पास 22 का था, बहुत शुरुआत में हमने तो उस पेशेंट उसको पाइल्स की प्रॉब्लम थी, तो हमने मुझसे पूछा कि भैया इतने टाइम से आप कर क्या रहे हो, इलाज क्यों नहीं करवा रहे हो, तो बोला डॉक्टर साहब मैं तो है ना एक क्रेमाफिन का सिरप आता है वो ये खाओ इससे मैं काम चला रहा था, उधर ये पड़ रही अपने को 145 रुपये का सिरप, वो बकायदा प्राइस बता रहा मुझे बंदा 145 रुपये की सिरप 60 रुपये गोली 200 रुपये गोली 3-4 दिन 5 दिन आराम से निकल जाते हैं, उधर डॉक्टर के पास जाऊँगा वो 500 रुपये मेरे से फीस छीन लेगा 7 दिन की गोली लिखेगा 1,000 रुपये साफ कर देगा, तो सर उधर 1,000 रुपये देखने से अच्छा है ना कि मैं 200 रुपये में इधर निमट जाऊँ, ये भी बार भी नहीं है, कम खर्चे में ज़्यादा नुकसान, इधर कम खर्चे में काम चलता तो उधर ज़्यादा खर्चा क्यों दूँ, ये उसकी बार्गेनिंग है। तो ये केस ब्रायोनिया बार्गेन करता है सर, ब्रायोनिया हाँ ये केस ब्रायोनिया का है जो मैंने आपको पाइल्स का बताया ना, ये ब्रायोनिया का केस है सर, एलिमेंट करता है केस एंड वरी। हेलो हाँ एलिमेंट्स फॉर केयर्स एंड वरी बिजनेस ये किस में है रूब्रिक, ये कंप्लीट में नहीं पर उसमें एक ही कोई मेडिसिन है सल्फर नहीं दिया है इसमें, अब बिजनेस अबाउट सल्फर को लिया उसको मैं कॉपी पेस्ट करता हूँ इधर से रूब्रिक में, ब्रायोनिया से कंफ्यूज हो रहा है सर, ये पॉइंट जो है ना कि जो बिजनेस करते हैं और जो बार्गेन करते हैं जो पैसे की चिंता करते हैं जो फायदा नुकसान देखते हैं ये इसके साथ वो थोड़ा फर्क समझा दें सर, इस केस में स्पेशली इस केस में कॉपी पेस्ट करना नहीं इस केस दो मिनट एक रूब्रिक कॉपी पेस्ट करना देखिए इसका
केस वेरी फुल अबाउट बिजनेस अबाउट, ये रहा सल्फर। ठीक है, देखो काम धंधे की बड़ी चिंता रहती है, बीमार होते हैं तब भी काम धंधा करते हैं। एंजाइटी बिजनेस अबाउट में सिर्फ व्यक्ति चिंता पालता है, और केयर एंड वरीज अबाउट में वो उसको बीमारी के साथ भी करता है, एक्शन में होता है। ये उसके बाद भी काम कर रहा था, तो एग्जैक्ट रूप मुझे इस केस का ये लगा कि भाई साहब दर्द में परेशान हो रहे हैं और फिर भी काम धंधा नहीं छोड़ रहे हैं। सिंथेसिस इनकम, काफी चीजें सिंथेसिस में नहीं है, मैं मैक्सिमम तो अभी काफी अपडेट हो रहे हैं मेडिसिन को लेकर। इवन आप बार्गेनिंग में काफ़ी मेडिसिन है, हम सिर्फ 4-5 मेडिसिन पढ़ते हैं, बाकी काफ़ी मेडिसिन है। आर्सेनिक है, नस्पोमिका है, लाइकोपोडियम है, थूजा है। तो थोड़ा सा अपडेट रहिए, तो हमको दूसरी रेपर्टरीज को भी पढ़ने का समय देना पड़ेगा। मुझे कहीं से कहते कि इसमें फील नहीं लगी ब्राइनिया की, और मेरे चार्ट में ब्राइनिया कहीं से अभी तक नहीं है। बोलिए आप, सबसे नंबर वन पे सल्फर था, सेकंड नंबर पे नक्स था, कि नक्स थोड़ा क्लोज था, क्योंकि नक्स पेनिवोलेंस भी है, बार्गेनिंग में भी है, एंजाइटी फॉर अदर्स में भी है, एंजाइटी बिजनेस अबाउट में भी है, सिर्फ उसको बिजनेस एप्टीट्यूड और बिजनेस टॉक को छोड़ दिया जाए तो। लाइट डिजायर में नहीं था, और बाकी सभी चीज़ें कवर कर रहा है, बहुत क्लोज थी सल्फर नक्स ओमेगा इसके पास में। सवाल बहुत ही अच्छा केस सॉल्व हुआ ये, और जैसे जैसे मेडिसिन रूबरी को मेडिसिन ऐड होगी, वैसे वैसे हमको थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि काफी बहुत से ऐसे रूबरी हैं जहां पर वो पेश होता है कि दो खाता था खातिर हम रहते, तो ये मुझे फेसबुक से लेंगे कि नहीं ले सकते हैं? ये बार्गेन नहीं है, ये मैग्नेटेड डिजायर है, वो मैग्नेटाइज हो गया आपकी दवाई से। कई पेशेंट प्लेसिबो के साथ मैग्नेटाइज हो जाते हैं, तो मैग्नेटाइज एमले मेबी, और आपने किस बेस पे मेडिसिन लिया है वो भी देखिए। उसके बाद भी कहता है पावरफुल दवाई दी थी सर आपने, वो तो पावरफुल चीजों से उनको आराम मिलना, मजा आना, ये मैग्नेटाइज एम्ब्लोरेट। सर इसको टॉकिंग बिजनेस के सेंस में भी ले सकते हैं जी? कैसे? जब तक सर उसे आराम रहे, फायदा रहता है, तो वो दवाई खाता रहता है, जब दवाई छोड़ दे तो फिर वो उसको नुकसान होता है जी। देखिए वो आपसे दवाई मांग क्यों रहा है, वो उस दवाई से मैग्नेटाइज हो गया है। मुझे पहले जहां तक सुना है कि पेशेंट कई बार आपकी दवाई से बड़े मैग्नेटाइज हो जाते हैं, वो छोड़ ही नहीं पाते हैं, उसको चुंबक के चिपक जाता है, किसी चीज से छोड़ नहीं पाता है। थोड़ा सा आपकी दवाई लेता हूँ, बड़ा मजा आता है, बहुत जल्दी आराम मिल जाता है, वही पीने वाली दवाई दो आप,
स्ट्रॉन्ग दवाई दो, मतलब वो जो दवाई देती तो वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं कई बार। पर ये एक नॉर्मल वर्जन है, बाकी आपने उस मेडिसिन जो दिया है बाकी के रूब्रिक है किस बेस पे दिया है उससे उसका मिलाने के लिए। ये तो जनरल सभी पेशेंट आकर बोलेंगे, बहुत कॉमन वर्जन है, हमको अनकॉमन ढूंढना है पेशेंट में। सर डिल्यूजन चार्म्ड और मैग्नेटाइज में फिर डिफरेंस कैसे करेंगे? चार्म्ड में पेशेंट सम्मोहित हो जाता है, जैसे मैंने बहुत पहले एक केस बताया था कि एक पेशेंट को ये दोनों सेंस में होता है, नेगेटिव पॉजिटिव सेंस दोनों में होता है ना। कोई कभी आपने देखा हो कोई कपल्स एक दूसरे से प्यार करते हैं और इतने जुड़ जाते हैं कि उनको अपने ही घर वाले भी नहीं दिखते हैं, वो सब कुछ छोड़ने को तैयार हो जाते हैं, वो एक दूसरे को छोड़ना नहीं चाहते, एक दूसरे के प्यार में वो सम्मोहित हो जाते हैं, खुल मिल जाते हैं, मतलब वो छोड़ना ही नहीं चाहते एक दूसरे को, ये चांद है। या कई लोग पेशेंट आपसे ऐसे चांद हो जाते हैं कि आपको छोड़ते ही नहीं है, कुछ भी गुजरा सब आप ही हो, जो भी है मतलब आपसे आराम मिले ना मिले वो आप ही के पास आते हैं, वो आपसे चिपक गए, चांद हो गए। या एक पेशेंट का मैंने बहुत शुरुआत में एक केस बताया था, तो उस पेशेंट को वो उस गांव का सरपंच है और उसको किसी हेडपम्प की इनोग्रेशन के लिए बुलाया, तो उस हेडपम्प का पीला पानी ही उसको पिला दिया कि भाई सरपंच साहब है तो उनको पानी पिलाओ, तो उनको पानी पिलाया। उसके बाद से उनको ऐसा लगा कि अब सब जब से मैंने वो हेडपम्प को पानी पिया ना उसके बाद से मेरा गला बैठना शुरू हो गया है, वो धीरे धीरे मेरी आवाज़ कम होती जा रही है और अब तो आवाज़ भी नहीं निकल रही। तो मैंने पूछा कि आपको क्या लग रहा है, डॉक्टर साहब कुछ तो किसी ने मेरे पर जादू टोना किया है। तो मैंने कहा कि फिर बोले सब मैंने हर प्रकार से इस जितनी भी मेरे पर क्रिया करी ना तोड़ने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं बहुत सारी मैंने मेहनत की है, बहुत लोगों को मैंने मतलब इस क्रियाओं को तोड़ने के लिए तंत्र मंत्र सहायता ली, पर ये डॉक्टर साहब ये तंत्र ना मुझे छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, इससे बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ मैं। तो ये भी चांद है, वो किसी नेगेटिव एनर्जी से चांद हो गया है ऐसा उसको लगता है कि मैं इस क्रिया को ब्रेक नहीं कर पा रहा हूँ, कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, वो उसको तोड़ नहीं पा रहा है, बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो चांद नेगेटिव एनर्जी में। पॉजिटिव एनर्जी में किसी कपल्स का जुड़ जाना एक दूसरे से और छोड़ना नहीं एक दूसरे को, एक दूसरे के प्यार से वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं, चाहे घर छोड़ देंगे अपना आपको नहीं छोड़ते। सर अगर इस डिल्यूजन चार्म्ड मैग्नेटाइज एम्बलम के साथ ही ये नो सर दूसरा रूब्रिक लगा ले कैरी डिजायर टू बी कैरीड एम्बलोरेशन, तो इसको फिर कैसे हम डिफर करेंगे जिनके कैरीड में मूवमेंट है, कैरीड में मूवमेंट है, अब किसी बच्चे को आप गोद में लेके घूम रहे हैं और कैरी कर रहे हैं चल रहे हैं, मतलब कैरीड में मूवमेंट है, आपको थोड़ा सा उसको कुछ ना कुछ एक्टिविटी देनी पड़ेगी। पेशेंट आकर बोलते हैं डॉक्टर साहब मुझे बीमारी से बाहर निकालिए मेरी मदद कीजिए, मतलब इस जगह से उस जगह ले जाइए, कैरिड में मूवमेंट है। मैग्नेटाइज में पेशेंट कहता है कि डॉक्टर साहब है ना जब मुझे बहुत तेज दर्द होता है तो मैं ना एक मेरे पास लाल बाम है तेज स्ट्रॉन्ग बाम वो लगाता हूँ, तो मैग्नेटाइज में स्ट्रॉन्ग फीलिंग होती है किसी पावरफुल चीज के इन्फ्लुएंस में आना और उससे फिर आराम मिलना, वहाँ सेंस स्ट्रॉन्ग का फीलिंग होता है। मैग्नेट कैसा होता है ना पावरफुल होता है, तो पावरफुल चीज जैसे किसी के पास जाती है तो कैसे रिलीव किसी चीज को खींच लेती है अपनी तरफ, तो यहाँ मैग्नेटाइज कर जो सेंस है वो पावरफुल चीज का है। जैसे घर में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होता है, मदर या फादर, तो बच्चे के तो मम्मा आप पास में सो तो मुझे अच्छा लगता है, आप पास में सो मुझे नींद आ जाएगी मुझे अच्छा लगता है, तो मम्मा क्या है घर में पावरफुल है बड़ी है उसके पास सोने से उसको आराम मिल रहा है, तो मम्मा मैग्नेट का काम कर रही है, तो मैग्नेट पास में है तो बच्चे को आराम है, मैग्नेट का पावरफुल से सेंस है ना, और कैरियर में मूवमेंट से है। तो चांद में उसको ऐसा लगता है कि मुझ पर कोई तंत्र की क्रिया कर दी है और मैं इसको तोड़ नहीं पा रहा, कई लोग कहते हैं डॉक्टर साहब कोई ऐसा जादू वादू कर दिया मेरे पे मैं तोड़ नहीं पा रहा हूँ इसको, क्या कैसे निकलू बाहर, तो चांद में सम्मोहित हो जाना किसी के प्रति। इस पेशेंट में हम लोग सेमलेस क्यों नहीं लेंगे? थैंक यू सर। कौन सा सेंट का केस में हम लोग सेमलेस क्यों नहीं लेंगे नेकेड वांट्स टू बी के जगह पे? क्योंकि मैंने शेमलेस इसलिए लिया कि उस वक्त मेरे क्लिनिक पे कोई था नहीं, है ना, शेमलेस लेने के लिए आसपास के लोग होने जरूरी हैं कि पब्लिकली वो कुछ आके खोल दे
और उसको शर्म नहीं है आसपास के लोगों के प्रति कि भैया आसपास कोई था नहीं, वो क्लिनिक ऑलरेडी मेरे इवनिंग का टाइम था तो कोई था नहीं मेरे क्लिनिक पर, क्लोज का टाइम था, क्योंकि थोड़ा सा बिजनेस माइंडेड है ना, उसको पता है कि मैं शाम को जाऊंगा तो रश भी कम मिलेगा और मेरे भी काम धंधे का नुकसान नहीं होगा, तो वो सब लेट नाइट आए थोड़े से, तो मेरे क्लिनिक पे कोई नहीं होता है और मेरा क्लिनिक क्लोज हो चुका होता है, तो उस वक्त क्लिनिक पे कोई था नहीं, उन्होंने उस वक्त जब पेन खोली थी क्लिनिक में मेरे उनके अलावा कोई था ही नहीं, कोई होता बाहर गेट खुला होता और बाहर पब्लिक बैठी होती और कोई देख रहा होता, उसके बावजूद भी वो पेंट खोलता तब शेमलेस लेते हैं कि भाई ये तो शर्म नाम की चीज नहीं है, इसलिए शेमलेस नहीं लिया। ठीक है सर। जी सर। हेलो। जी हाँ हाँ सर, एक पेशेंट आता है और ये कहते हैं कि मुझे 3 दिन से बुखार है, तो हम कहते हैं कि आपने मेडिसिन क्यों नहीं ली, मेडिसिन कैसे लेता, 3 दिन से आपका शॉप बंद है, तो भाई आप 3 दिन से ये भुगत रहे हो बुखार को, तो आप कहीं और से मेडिसिन लेते थे, और कहीं से कैसे लेता, मुझे पता है कि मुझे आपसे ही आराम आएगा, मैंने इसलिए कहीं से भी मैंने मेडिसिन नहीं लिया, मैंने 3 दिन आपका वेट किया तो आज मैं आ गया हूँ, तो मैंने कहा भाई आप इतने दिनों से क्यों बर्दाश्त कर रहे थे, आपने को मेडिसिन लेना चाहिए था ना, भाई मैं क्यों लेता, मुझे पता था कि मुझे और कहीं से आराम नहीं आने वाला, मुझे आपसे आराम आता है, तो सर इसको भी हम मैग्नेटाइज से कंसिडर कर सकते हैं। नहीं मैग्नेटाइज नहीं है, ये रिलीज अफेक्शन हो सकता है, पेशेंट को आप पे बहुत विश्वास है, मुझे ऐसा मानना है कि कई बार पेशेंट आपसे दिल से जुड़ जाते हैं, आप पर बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं, रिलीज अफेक्शन हो सकता है, वो आपसे चार्म्ड हो सकता है, वो आपके अलावा जाना नहीं चाहता, चार्म्ड पेशेंट ही जनरली ऐसे करते हैं कि कुछ भी हो जाएगा वहीं जाएंगे, उनको एक बार विश्वास हो चुका है कि वहीं ठीक होंगे, हम कहीं और जाऊंगा तो मैं ठीक नहीं हो पाऊंगा, तो ये चार्म्ड हो सकता है, रिलीज अफेक्शन हो सकता है, इसके पीछे फीलिंग क्या है, अगर हम कई बार पेशेंट को ट्रीट कर चुके होते हैं और रिलीफ मिल जाता है पेशेंट को, तो पेशेंट फिर आप ही को क्लिंग करता है, पर क्लिंग से ज्यादा मुझे लगता है एप्रोप्रिएट रूप में रिलीज अफेक्शन होता है, पेशेंट आपसे दिल से जुड़ जाते हैं। डॉक्टर मैं आपके क्लिनिक पर आऊं तो मुझे अच्छा लगता है, मजा आता है, तो ये मैग्नेटाइट डिजायर टू बी या रिलीज अफेक्शन, दो की संभावना ज्यादा लगती है। इंप्रेसिव मतलब क्या, इंप्रेसनेबल? जी सर। नहीं इम्प्रेशनेबल नहीं होगा, इम्प्रेशनेबल देख पेशेंट किसी की छाप पड़ जाती है फिर वैसी वैसी ही चीजें वो खुद करता है। एक मिनट सर। हेलो। हाँ जी। जैसे को सर कोई लड़की है जो किसी से बहुत ज्यादा अटैच है लेकिन धीरे धीरे उसको ये समझ में आ रहा है कि हम गलत आदमी के साथ हैं, तो फिर धीरे अब वो चाह रहा है कि हम को उसे अलग हो जाना है लेकिन अलग हो नहीं पा रही है, तो यहाँ पर क्या आएगा? चार्म। ये भी चार्म है? ये चार्म है, चाह रही हूँ पर हो नहीं पा रही हूँ। जी पहले पूरा रूबरी का कैसा है, डिल्यूजन चार्म कैन नॉट ब्रेक द स्पेल, हम तोड़ ही नहीं सकते, इतने चार्म हो गए हैं और सब गले में ऐसी कुछ तंत्र मंत्र क्रिया कर दी है कि खुद भी तो दो वर्जन हो गया सर ना, ये तो तोड़ नहीं सकते, मैंने तोड़ना ही नहीं चाह रहा, ये वो तोड़ना चाह रहा लेकिन तोड़ नहीं पा रहा है। हाँ मतलब वो खुद भी इस चीज को तोड़ नहीं पा रहे, तोड़ना चाह रहे तो भी नहीं तोड़ पा रहे, एक दूसरे से इतने प्यार में डूब गए हैं कि चाहकर भी बाहर नहीं निकल पा रहे एक दूसरे से, घर वाले कह रहे हैं गलत है लड़का, नहीं छोड़ पा रही, लाख बुरे हैं उसको पता है उसकी, पर प्यार मंदी है, सुपरस्टिशियस है, आप कुछ भी कर देगी। थैंक्स सर। सर जो पेशेंट लेडीज खासतौर पर जो मेल को कुछ नहीं बताती, फीमेल को सब कुछ बताती, इसको कैसे लेंगे जी?
मेल को नहीं मिलती, टिमिडी बेशफुल, मेन चीज सबसे पहले टिमिडिटी लीजिए आप, टिमिडिटी बेशफुल ले सकते हैं, सिक्रेटिव हो सकती है, एम्बैरेसमेंट भी हो सकती है ना वो। सबसे पहले तो टिमिडिटी सबसे पहला रूपरेखा वो सर बोलती है कि आपकी आपकी मिसेज को बता दिया, उनसे पूछ ले मैंने क्या बताया जी। एम्ब्रेसमेंट हो सकता है, टिमिडिटी बेशफुल हो सकता है। नहीं वो बोलती है कि आपकी मिसेज को बता दिया है मैंने, तो उनसे पूछ ले जो बताया है। हाँ संभावना दो रूप की है, एम्ब्रेसमेंट की, टिमिडिटी बेशफुल की, वो खुल के आपसे बोलना नहीं चाहती है सब चीजों को शर्म की वजह से। बेसिक रीजन शर्म है ना, पीछे का शर्म आती है इसे नहीं बता रही है। ये सर सिर्फ टिमिडिटी होगी या टिमिडिटी बेशफुल? बेशफुल ज्यादा नहीं, टिमिडिटी इन जनरल लीजिए। बेशफुल तो पेशेंट हमारे सामने शर्माता है, क्लियर पता चलता है, सब ऑब्जर्वेशन रूबरी है हमारे, सिर्फ पेशेंट के कह देने से नहीं लेंगे हम। पेशेंट हमारे सामने बकायदा वो जब हम पूछते तो इधर मम्मी सासू माँ देखने लग जाते हैं। अब बिल्कुल ऐसे ही सर, बस ये टिमिडिटी बेशफुल है, मतलब अपनी बात बता ही नहीं पा रहे हैं, शर्मा रहे हैं बहुत ज्यादा।